सबसे पहला सवाल आपसे, कितना मजा एक मिलियन क्रॉस हो गया, एक मिलियन कर लिए हैं, क्या आपने सोचा था व्हाइल वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट कि इतना लोग सराहेंगे, इतना प्यार देंगे? जी बिल्कुल, मतलब सोचा तो था कि इतना प्यारा गाना है, लोगों को बहुत पसंद आएगा, लेकिन इतने कम वक्त पे मतलब लोग इतना पसंद करेंगे हमारे ऑडियो और वीडियो को, तो वो थोड़ा सा ताजुब की बात थी हमारे लिए, क्योंकि हमारी जो टीम है, हमारी टीम में से किसी का भी यहाँ पे बॉम्बे में इस इंडस्ट्री में कोई गॉडफादर नहीं है, कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है। हम लोग ने जो कुछ भी किया है वो अपने दम पे किया है, अपने मेहनत से किया है, अपने डेडिकेशन से किया है। तो जब आप खुद एक नए टीम के साथ आप काम करते हो, और मतलब जिसका कोई होता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा बहुत ज़्यादा कोई ऐसा ब्रांड कोई नहीं है जिसके नाम पे यू नो पूरा हम इतनी जल्दी 1 मिलियन हिट करें, तो वो डर था हमें। लेकिन कहीं ना कहीं जब आपको अपने पे भरोसा होता है, अपने टैलेंट पे, अपने काम पे भरोसा होता है, तो एक पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है। तो कहीं ना कहीं डर के साथ साथ भरोसा भी था, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है आज के डेट में कि ऑर्गेनिकली मतलब ऑर्गेनिक वे में हमारे गाने ने इतने कम टाइम पे 1 मिलियन हिट किया, और कहीं ना कहीं बहुत खुशी है आज, बहुत खुश है हम सब, मैं भी खुश हूँ और मेरी पूरी टीम भी खुश है। देखिए मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरा ऐसा ही एक सॉन्ग था पहले, नैनो की बात नैना जाने, जो पब्लिक ने बहुत ही ऑर्गेनिकली बहुत ही अपनी खुद की तरफ से उस गाने को बढ़ाना शुरू किया था, बहुत अच्छी तरीके से उसको शेयर किया था, लोगों ने बहुत पसंद किया था। अब उसके बाद मुझे लगता है कि ये सॉन्ग है कितना मज़ा है, जो ऑर्गेनिकली बहुत अच्छा जा रहा है और पब्लिक बहुत पसंद कर रही है, बिना किसी प्रमोशन के, बिना किसी सपोर्ट सिस्टम के, ये नेचुरली ये गाना बहुत अच्छा जा रहा है। तो बस खुशी हो रही है कि इतनी जल्दी 1 मिलियन हो गया, ऐसे ही बस प्यार मिलता रहे पब्लिक का। सर एक्चुअली मैं तो इस इंडस्ट्री में न्यू कमर हूँ, पूरा न्यू कमर हूँ, मेरे को इतना तो नॉलेज नहीं था, बट नगमा जी के सपोर्ट से और अल्ताफ भाई के सपोर्ट से मेरे को इस वीडियो में एक एक्ट करने का छोटा सा मौका मिला, तो उसके लिए मैं बहुत ही खुश नसीब हूँ, और मेरा पहला ही गाना 1 मिलियन व्यू पहुंच गया है, तो उसके लिए मैं बहुत ही खुश नसीब हूँ। मैम रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है जब इस तरह से सराहा जाता है, और अब आगे क्या, व्हाट नेक्स्ट? अभी तो एक्सपेक्टेशन हमारी भी थोड़ी बढ़ चुकी है कि मतलब अगर बिना गॉडफादर के हम खुद अपने मेहनत से एक गाने को, एक अच्छे कंटेंट को हम इतना आगे तक बढ़ा सकते, तो आगे हम कुछ भी कर सकते हैं, और शायद लोग हमें सपोर्ट भी करेंगे। तो फिलहाल हम लोग और कुछ गानों का प्लान कर रहे हैं, कुछ वेब सीरीज़ का प्लानिंग चल रहा है। डेफिनेटली जिम्मेदारी बढ़ जाती है, जितना आपका काम सराहा जाता है उतना ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। थोड़ा सा एक कहीं ना कहीं एक फिक्र ये ज़रूर रहती है कि अभी जितना पहले सॉन्ग को पसंद किया गया उतना नेक्स्ट सॉन्ग को उतना पब्लिक का सपोर्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, और जब सॉन्ग चलने लगता है तब ऐसा लगता है कि अब इससे अच्छा और करना है। तो डेफिनेटली इस सॉन्ग के बाद हम बहुत इससे बेटर और प्रोजेक्ट्स लेके आएंगे, बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स हम साथ में मिलकर लेके आएंगे, तो बस फिंगर्स क्रॉस्ड देखते हैं। थैंक यू सो मच। बेजान ख्वाहिशों में भर के जरा सी जा, इन चाहतों को जिंदा तूने है कर दिया, सोई सी धड़कनों को दी है नई सुबह, सांसों को तूने छू के जन्नत किया जहां, तेरे इश्क के दिल को लगी ऐसी हवा है, ना पूछ के आया मुझे कितना मजा है, बिन बारिश भीगे मेरे जिस्मों जा है, ना पूछ के आया मुझे कितना मजा है। Thank you.